बिहार के पूर्णिया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 138वीं जयंती समारोह आयोजित की गई। आपको बता दें इस अवसर पर युवा जदयू का नए सिरे से प्रखंड एवं जिला कमेटी का विस्तार भी किया गया, कार्यकर्ता का सम्मान भी हुआ और इस कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। बहरहाल आपको बता दें पूर्णिया के जाने माने बॉडी बिल्डर अभिषेक कुमार ने भी जनता दल यूनाइटेड में अपनी सदस्यता ली है और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का वादा भी किया। आज युवा जदयू का जो जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी का विस्तार भी होने जा रहा है, जो कि हमारे पूर्णिया जिला अंतर्गत 14 प्रखंड का कमेटी विस्तार होगी और जिला कमेटी का भी विस्तार किया जाएगा। सभी को जिला कमेटी में जो भार दिया जाएगा उसमें हमारे युवा जदयू के जो साथी हैं इसमें भरपूर से इसमें मतलब पार्टी के लिए काम करेगी। और जो आज जो ये कपड़ा देख रहे हैं ये हमारे आज पूर्णिया जिला के मतलब जो है मतलब अंतर्गत पूर्णिया जिला के अंतर्गत आने वाले मतलब हर एक प्रखंड से यहाँ लोग आए हुए हैं, हर एक पंचायत से लोग आए हुए हैं, हर एक वार्ड से लोग आए हुए हैं, ये आप लोग देख रहे हैं नजारा। इसके लिए हम लोग जो भी युवा जदयू के जो साथी हैं हम उनको तहे दिल से आभार और धन्यवाद करते हैं। और सरदार पटेल इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण थे या किसी से छिपी हुई है। आज अगर सरदार पटेल नहीं होते जो छोटी छोटी रियासत थी इस देश की वो एकजुट नहीं हो पाता। आज जो भारत का स्वरूप सरदार पटेल नहीं होते तो वह स्वरूप अलग होता। आज सरदार पटेल नहीं होते तो आज देश का यह स्वरूप तो नहीं होता। तो हमेशा सरदार पटेल ने देश को आगे रखा और अपने पद को पीछे रखा जो उनको महान बनाता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे देश को एकजुट करने की बात हो। आज तो हम नौजवानों से यही कहना चाहेंगे कि जो सरदार पटेल जी ने जो रास्ता चुना हम युवाओं को हम सबों को उस रास्ते पे चल के देश को और मजबूत करने की आवश्यकता है और त्याग भाव से देश आगे, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसके निर्माण के लिए हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है और सरदार पटेल के रास्ते पे हम सबको चलने की आवश्यकता है। अभिषेक युवाओं को फिट और स्वस्थ रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं, राष्ट्र स्तर के बॉडी बिल्डर हैं और हर प्रतियोगिता में जाकर पूर्णिया का नाम रोशन भी करते हैं। बहरहाल आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह जयंती है और जिन्होंने जूनागढ़ को भारत में शामिल किया, अपने आप में ऐतिहासिक काम किए और एक ऐसे लौह पुरुष जिनके बारे में जितनी भी कही जाए कम है और आज उसे याद कर नमन की गई। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप हमसे बात कीजिए, हमारा नंबर है 8826227802।